मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में रविवार को उग्रवादियों के हमले में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई है। महिला की 8 साल की बेटी और एक पुलिस अधिकारी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके और कोतरुक और कांडा गडबान घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से भी हमला किया। अचानक हुए इस हमले की वजह से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 9 घायलों में से 5 को गोली लगी है, जबकि बाकी को बम के छर्रे लगे हैं।